आज के इस वीडियो में हम 30 मई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम बी राजेश। केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष एम बी राजेश बने हैं। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर औसतन तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है और 40% आशंका है कि अगले 5 साल पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान अस्थायी रूप से वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। WMO के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड मेट्रो ऑर्गोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महासचिव पेटेरी तलास है। अध्यक्ष गेरार्ड एड्रियान है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संभाजी गुरव। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी संभाजी गुरव बने हैं। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। मुंबई के महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। बशार अल असद सीरिया देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया देश के बारे में जानकारी, सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। सीरिया की राजधानी डेमस्कस है। सीरिया की करेंसी सीरियन पाउंड। सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद है। सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन अरनेस है। सीरिया की सबसे लंबी नदी यूफ्रेट्स नदी है। सीरिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना और पूर्व सेवा कर्मियों को रक्षा कर्मियों की सेवारत ओपीडी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है, जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। टॉप देशों के राष्ट्रीय सम्मान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान
निशान ए पाकिस्तान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लेजन ऑफ ऑनर है, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लेजन ऑफ मेरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। अभिभावक मंत्री राज्य के सभी जिलों में सतत विकास, उचित देखरेख, सरकार के नीतिगत फैसले, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजना की निगरानी भी करेंगे। ये जिलों के राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। मुंजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर पर सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है। केरल के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एलाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। केरल के लोक नृत्य कालीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पदयानी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्लारियल। बिल्लारियल फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर यह खिताब पहली बार जीता है। टॉप खिताब करंट अफेयर्स रिवीजन टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब हार्बर्ट हरकच ने जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 मार्क सेल्वी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आश्रिता वी उलेटी। स्क्वाडन लीडर आश्रिता वी उलेटी भारतीय वायुसेना में फाइटर टेस्ट इंजीनियर की भूमिका के लिए योग्य महिला और एकमात्र महिला है जो अंबर्ड फोर्सेस में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट और एयरब्रोन सिस्टम का आकलन करेंगी। स्क्वाडन लीडर आश्रिता वी उलेटी कर्नाटक की रहने वाली है। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को कबीरा मोबिलिटी ने लॉन्च किया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 14 ले बाला एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे लेन है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बेंगलोर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस साल 1987 के बाद प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
मई महीने की कुछ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस मनाया जाता है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे मनाया जाता है, 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, 10 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 15 मई को परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है, 16 मई को सशक्त सेना दिवस मनाया जाता है, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 25 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।